कल्याण कुमार और आप देख रहे हैं ग्रांड सब्सिडी। आज मैं आप लोगों को लेकर आया कि क्यूब टेस्टिंग का क्यों करते हैं हम लोग और इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो काय के लिए हम लोग करते हैं, कितना दिन का हम लोग करते हैं और कैसे इसका प्रोसीजर। तो आज हमारे सर गायकवाड़ सर है, आज हम गायकवाड़ सर से जानने का प्रयास करते हैं कि सर हम लोग क्यूब टेस्टिंग क्यों करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए हम अपने गायकवाड़ सर से, सर तो सबसे पहले आप बताइएगा हम लोग कि क्यूब टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं। सर क्यूब टेस्टिंग इसके लिए करते हैं कि अपन जो स्लैब भरते या कॉलम भरते हैं उसका वर्कएबिलिटी चेक करने के लिए। तो कितना सर बता रहे हैं कि क्यूब टेस्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि कोई भी कंक्रीट कॉलम भरते हैं या स्लैब भरते हैं तो उसका वर्कएबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं। हाँ, तो उसका जो स्ट्रेंथ कितना आता है वो भी चेक करते हैं। तो सर 7 डेज में कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए? 67% आना। और ये 14 डेज का होता है? 80% आना। और 28 डेज में सर? 100%। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 3 दिन का क्यूब टेस्ट करते हैं, इसके बाद 7 डेज का क्यूब टेस्ट करते हैं, इसके बाद 14 डेज का क्यूब टेस्ट, इसके बाद 28 डेज का करते हैं। अगर 20 का अगर फेल होएगा जी तो आप उसको 35 का भी कर सकते हैं। 35 का भी? हाँ, 35। अगर क्यूब हमारा 28 डेज का फेल हो जाएगा तो हम लोग 35 का भी करते हैं। तो आज हम लोग सर से देखते हैं, इधर लाइव आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्यूब टेस्टिंग का क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम लोग कोई टीएम आता है तो क्या क्या प्रोसीजर आता है? पहला सबसे पहला आरएमसी का जो गाड़ी आता है, जो टीएम आता है, यस सर, उसके पहला सबसे पहला बैक सीट चेक करते हैं। बैक सीट चेक? हाँ, जो आपको डिजाइन दिया है, जो मिस डिजाइन दिया है वो अप्रूव अप्रूव है। सीमेंट कंटेनर अगर मेंटेन नहीं करेगा तो उसका अप्रूव रिजेक्ट करते अगर कम होगा कम होगा। इसके बाद हम उसके बाद अरबन में माल लेने के बाद उसका फ्लो चेक करते हैं। फ्लो चेक करने के बाद उसके बाद क्यूब भरते, क्यूब आपको 3 लेयर में भरते। 3 लेयर? हाँ, जैसा 150 का क्यूब रहता है तो पहला 50, उसके बाद 50, उसके बाद 50, वैसा 3 लेयर में भरते। 1 लेयर के लिए 35 बार उसको टैंपिंग किया जाता है, 16 mm का डाया उसका रॉड एफ होता है, 3 लेयर में भरा जाता है। 3 लेयर में भर के उसको 35 बार टैंपिंग करके फिर उसको करते हैं। इसके बाद आगे बताइए सर। उसके बाद जो दूसरा दिन जब भी क्यूब खोलता है उसके नेक्स्ट डे जब भी क्यूब खोलता है तभी उसके बाद उसको पानी का डालेंगे, पानी में डाल दिया है, पानी में ही डाल दिया जाता है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है 7 डेज का या 3 डेज का, 40 डेज का, 28 डेज का, जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर चालू रहता है। तो सर के कहने का मतलब ये क्या है कि कोई टीएम आता है ना तो सबसे पहले हम उसका फॉलो टेस्ट करते हैं, उसका बैक सीट देखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं उसको क्यूब हम लोग भरते हैं और क्यूब भरने के बाद उसका नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं उसका क्यूब को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं 7 डेज 14 डेज और 28 डेज के लिए उसको क्यूब के लिए एक डंडे रखते हैं और उसको क्या करते हैं उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको हम लोग ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद हम लोग कंप्रेसर यूटीएम मशीन के पास लेके आते हैं और यूटीएम मशीन के पास लेके आने के बाद सबसे पहले हम लोग इसका वेट करते हैं। वेट करके इस क्यूब का देखिए ये है 3131 का है और M50 का है, ये M50 ग्रेड का है और इसका वेट देखिए 8 किलो 490 ग्राम है, 8 किलो 490 ग्राम है। और इसका वेट करने के बाद हम लोग ये UTM मशीन है, इस UTM मशीन में हम लोग डालते हैं और इसका लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद इसका देखते हैं कितना किलो न्यूटन इस पर लोड आया है और कितना मेगा पास्कल इसका स्ट्रेंथ आया है। तो लोड कैलकुलेट करने के इसका क्या करते हैं, 3 सेट का होता है, 3 क्यूब का ऐसे एवरेज निकालते हैं। उसका एवरेज निकालने के बाद उसको जितना ग्रेड रहता है ग्रेड से हम लोग उसको डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो फिर हम लोग देख लेते हैं कि 7 3 डेज का कितना 65-70% आया है कि नहीं आया है, कि अगर अदरवाइज नहीं आया रहेगा तो हम उस क्यूब को फेल माना जाएगा। तो फिर हम उसको क्या करते हैं 7 डेज का हो गया तो 14 डेज का टेस्ट करने का ट्राई करेंगे। 14 डेज के बाद हम लोग क्या करते हैं 28 डेज का ट्राई करेंगे, वो भी फेल हो जाता है। अगर 30 डेज का भी अगर फेल हो जाता है ना तो लास्ट उसका उपाय रहता है, जब हम लोग स्लैब किए रहते हैं उसका कोर कटर होता है, एक लास्ट मेथड होता है कोर कटर टेस्ट, उसमें कितना स्ट्रेंथ आया है उससे पता चल जाता है हमारा क्यूब एक्चुअली में फेल है या पास है। अगर कोर कटर से अगर फेल हो जाता है तो उसका क्या होता है ना, बहुत सारा उसका प्लेट भी नहीं पे लगा दिया जाता है,
नहीं अगर प्लेट है तो बाद में क्या करते हैं हम लोग को स्लैब को पूरा तोड़ना पड़ता है। तो यही प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले यहाँ पे वेट करते हैं, वेट के बाद यूटीएम मशीन में डालते हैं। यूटीएम मशीन में डालने के बाद इसका ये चेक करते हैं। अभी आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं कि इसका अप्लाई कैसे किया जाता है। इसका वेट ले लिया गया है, मंगलवार में ये डाले हैं और इसके बाद ये छुट्टी ना संडे वाली करो। अल्लाह करने के बाद उधर से थोड़ा सा दिखाइए आप कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। इसको पहले टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद फिर इसका से फिर ऊपर में देखिए यहाँ पे रीसेट पहले वाला डाटा को रीसेट करेगा। पहले वाला डाटा को रीसेट करेगा। इसके बाद इस पर रन करते हैं, देखिए कैसे कैसे लोड आता है। वो दिखा रहे हैं आपको कितना कितना लोड आता है। इसका रीडिंग देखिए आप लोग, रीडिंग है ये लोड उठा रहा है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, देखते रहिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लोड अप्लाई में थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपका रीडिंग दे देगा वो। हाँ तो लोड लेना देख लीजिए आप, ये स्टार्ट हो गया है। ये हमारा सबसे ऊपर वाला जो है ना लोड है, वो लोड ले रहा है। कितना लोड अप्लाई हो रहा है वही देख रहा है। इसमें देखिए वो मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर कंप्रेसर रखे थे। ये है कटिंग मशीन रनिंग, इसको यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसको बोला जाता है। यह डिजिटल होता है। कितना पे जाके ये फेल होगा इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी कितना चला गया है, 672 चला गया है। तो फाइनली इसका हो गया रिकॉर्ड, देख लीजिए आपका पीक लोड इतना 1076 1076.1 किलो न्यूटन लगाया और पीक स्ट्रेस इसका स्ट्रेंथ आया है 47.82 मेगा पास्कल। ठीक है, इसका एरिया होता है, क्यूब का एरिया होता है, 15x50 कीजिएगा ना तो इसका 225 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। और ये इसमें देखिए रिकॉर्डर ग्रेड ये दिख रहा है, ये रिकॉर्डर नंबर है ये। तो फाइनली आप लोगों को बता दीजिए कि ये कितना लोड आया है। इसको क्या करते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं, एक शीट में इसको मेंशन करते हैं कितना लोड अप्लाई हुआ सर आप मेंशन करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका एवरेज निकालते हैं इसको फाइनल। चलिए आज के वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ कि जो टेस्टिंग कैसे होता है, प्रोसीजर क्या होता है। हम और गैकवर्ड सर थे, दोनों को ही थे, तो गैकवर्ड सर बता दिए कि प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कैसे अप्लाई किया। तो अच्छा लगा आपको वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।